हे गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीदें अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छा हूं। सो फ्रेंड्स, वीडियो के टाइटल एंड थंबनेल देखकर आप लोग ऑलरेडी समझ सकते हैं किस प्रोडक्ट का इस वीडियो में हम लोग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करने जा रहे हैं। तो मैं आपको बता देता हूं, हमारे पास लॉजिटेक का एक वायरलेस माउस आके पहुँच चुका है। मॉडल नंबर मैं आपको बता देता हूँ, लॉजिटेक पेबल M350 जो कि हमारे पास अमेजोन से आके पहुंचा है। हम इसे खुद से परचेस किए हैं पर्सनल यूज़ के लिए, कोई भी वीडियो स्पॉन्सर नहीं है। तो इस प्रोडक्ट में इसका अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। इसका सारे स्पेसिफिकेशंस, फीचर्स, MRP सब कुछ इन डिटेल बात करने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप ये प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं या कोई भी वायरलेस माउस परचेस करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। उम्मीद है ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा एंड इंटरेस्टिंग रहेगा। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल में पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। चले दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम अनुज कुमार, आप सभी देख रहे हैं YouTube चैनल Being Unique TV। सो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये है लॉजिटेक पेबल M350 वायरलेस माउस विथ ब्लूटूथ के साथ आता है एंड USB के साथ भी आप दोस्तों ये माउस को कनेक्ट कर पाएंगे, जो कि मैं आपको आगे वीडियो में बता दूंगा। आपको वीडियो बोर ना लगे इसलिए अमेजोन का बॉक्स मैंने ओपन कर लिया है। आपको डायरेक्टली लॉजिटेक पेबल M350 बॉक्स ही दिखा रहा हूँ एंड इसे अनबॉक्स करके आपको दिखाने वाला हूँ। तो आपको बॉक्स कुछ इस तरह से प्रिंटेड देखने को मिल जाएगा। आपको बॉक्स कुछ इस तरह से प्रोवाइड किया जा रहा है लॉजिटेक के तरफ से। यहाँ पे आपको लॉजिटेक ब्रांडिंग के साथ साथ माउस का इमेज भी प्रिंटेड देखने को मिल जाएगा विथ मॉडल नंबर लॉजिटेक पेबल M350। और उसके साथ दोस्तों, अगर बैक साइड बात करें, आपको मैन्युफैक्चरिंग डिटेल्स वगैरह यहाँ पे आपको प्रिंटेड देखने को मिलने वाला है। MRP यहाँ पे आपको 2295 प्रिंटेड देखने को मिल जाएगा, लेकिन ऑनलाइन आपको ये 1600 से लेकर 2000 रुपीज़ के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो ये साइड आपको और कुछ डिटेल्स स्पेसिफिकेशंस ये लॉजिटेक पेबल M350 माउस रिलेटेड देखने को मिल जाएगा। और दूसरे साइड बात करें, यहाँ पे आपको कुछ फीचर्स एंड स्पेसिफिकेशंस मेंशन देखने को मिल जाएगा बॉक्स के ऊपर। तो चलिए जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। तो खास बात ये प्रोडक्ट का ये है कि ये डुअल कनेक्टिविटी के साथ आता है, यानी कि ब्लूटूथ एंड USB दोनों के साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रोडक्ट का क्वालिटी क्या है, फीचर्स क्या है, किस तरह से आप कनेक्ट कर पाएंगे। चलिए जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं बॉक्स को। तो बॉक्स को कर लिया है हमने ओपन। ओपन करते ही आपको कुछ इस तरह से वेलकम करता है लॉजिटेक। आपको माउस कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है, बहुत ही अच्छी तरीके से कवर होके आता है। चलिए जल्दी से इसे ओपन कर लेते हैं। ओपन करते ही दोस्तों आप देख सकते हैं डिज़ाइन वाइज किस तरह से माउस है। यहाँ पे आपको लॉजी इस तरह से ब्रांडिंग देखने को मिल जाएगा। आपको एक रोटेट बटन भी प्रोवाइड किया जा रहा है, उसके साथ साथ दोस्तों दो लेफ्ट राइट क्लिक भी यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। बहुत ही आप देख सकते हैं लाइट वेट है, उसके साथ साथ डिज़ाइन बहुत ही फ्लेक्सिबल है। आप देख सकते हैं कितना पतला सा इसका लेंथ एंड विड्थ भी दोस्तों आप देख सकते हैं कितना ये डिज़ाइन वाइज बहुत ही बेहतरीन करने की कोशिश किया गया है लॉजिटेक के तरफ से। तो बिल्ड वाइज बहुत ही सही है, फिनिशिंग इसका बहुत ही सही लग रहा है, फील एंड टच भी इसका बहुत ही सही है। मटेरियल आपको कम्प्लीटली प्लास्टिक देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी से इसे ओपन करते हैं, देखते हैं यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा। बेसिकली ये एक अपर साइड कवर है, आपको निकालना रहता है। निकालने के बाद दोस्तों आपको इनसाइड बैटरी देखने को मिल जाएगा, ऑलरेडी इंस्टॉल किया गया। उसके साथ साथ दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से ये वर्क करता है। यहाँ पे आपको इसका USB पिन देखने को मिल जाएगा, जिसके मदद से दोस्तों आप आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। तो इसका क्वालिटी भी बहुत ही सही है एंड मैं कनेक्ट करके मेरे लैपटॉप के साथ भी दिखाऊंगा किस तरह से ये कनेक्ट हो पाता है, किस तरह से आप ब्लूटूथ एंड USB दोनों के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली कवर हटाने के बाद आपको कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है, ठीक है। तो चलिए जल्दी से इसे रख के कवर को फिर से दे देते हैं एंड देखते हैं बैक साइड आपको क्या नज़र आने वाला है। ये दोस्तों जो कवर है कम्प्लीटली मैग्नेट से आप चिपक जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं कोई भी आपको प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। डिज़ाइन इस तरह से किया गया है जैसे कि आप आसानी से इस तरह से निकाल सकते हैं एंड आपको सिंपली दोस्तों इसे छोड़ना रहता है। दोस्तों आप देख सकते हैं कितना स्मूथली ये चिपक गया। तो ये बहुत ही सही से डिज़ाइन किया गया है। पीछे के साइड बात करें, यहाँ पे आपको ऑन ऑफ का बटन प्रोवाइड किया जा रहा है एंड ब्लूटूथ एंड USB के लिए और एक बटन प्रोवाइड
किया जा रहा है। उसके साथ साथ आपको एक LED लाइट भी प्रोवाइड किया जा रहा है जो कि आप देख सकते हैं। एंड डिज़ाइन पीछे के साइड आपको दोनों तरफ से इस तरह से ग्रिप के लिए दिया जा रहा है, डिज़ाइन कुछ इस तरह से है। एंड यहाँ पे आपको ब्लूटूथ प्रिंटेड देखने को मिल जाएगा एंड इसका ब्रांडिंग नेम भी प्रिंटेड देखने को मिल जाएगा। तो ओवरऑल ये था प्रोडक्ट के ऊपर ओवरव्यू, आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलने वाला है अगर आप ये प्रोडक्ट को परचेस करते हैं। अगर फ्रेंड्स ये प्रोडक्ट का परचेस करना चाहते हैं, इसका बेस्ट बाय लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्टली क्लिक करके प्रोडक्ट को परचेस कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स आपको बॉक्स के अंदर कुछ यूजर मैनुअल एंड डॉक्यूमेंट्स प्रोडक्ट रिलेटेड देखने को मिल जाएगा जो कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कुछ इस तरह से है। अगर आप चाहते हैं डिटेल्स वगैरह यहां से देख सकते हैं प्रोडक्ट को परचेस करने के बाद। अगर दोस्तों इसका कुछ फीचर स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करूं तो टेक्नोलॉजी यहां पे वायरलेस कंफर्टेबल इन हैंडिंग स्मूथ वर्किंग कनेक्ट विथ फोन कनेक्ट विथ स्मार्ट TV ये सारे आप कर सकते हैं। कलर के बारे में बात करें मल्टी कलर पे मार्केट पे अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हैं आपके कलर के हिसाब से आपकी पसंद के हिसाब से आप ले सकते हैं। विड्थ इसका 11 mm है, हाइट इसका 6 mm है, डेप्थ इसका 3 mm है। और उसके साथ साथ दोस्तों वारंटी आपको 2 ईयर प्रोवाइड किया जा रहा है, मैन्युफैक्चरिंग वारंटी, फिजिकल डैमेज पे आपको वारंटी देखने को नहीं मिलेगा। तो ये था इसका कुछ स्पेसिफिकेशन। सबसे जो इसका अट्रैक्टिव फीचर है ये डुअल मोड के साथ आता है, ब्लूटूथ एंड USB दोनों के साथ आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों मेरे लैपटॉप की ओर जाते हैं एंड इसे कनेक्ट करके देखते हैं किस तरह से वर्क करता है। सो फ्रेंड्स अब मैं लॉजिटेक पेबल M350 माउस को थोड़ी देर यूज़ कर चुका हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूँ कि किस तरह से आप यूज़ कर पाएंगे। बेसिकली मैं इसका USB कनेक्ट करके भी दिखाऊंगा लैपटॉप पे, जो कि दिक्कत नहीं होगा आपको। आप जो दिक्कत फेस करेंगे वो ब्लूटूथ कनेक्टिविटी पे, इसलिए मैं आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी भी करके दिखाने वाला हूँ मेरे लैपटॉप के साथ किस तरह से आप आपके लैपटॉप पे कनेक्ट कर पाएंगे। तो बेसिकली अगर आप पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो विदाउट यूजर मैनुअल या विदाउट एनी रिव्यू वीडियो आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। हो सकता है आप कनेक्ट कर भी ले, लेकिन आपको एग्जैक्टली पता नहीं चलेगा किस तरह से ब्लूटूथ से वार करता है, कनेक्ट कर पाते हैं इजीली। इसलिए मैं आपको छोटी सी वीडियो में जानकारी दे दूंगा ताकि आप लोग दिक्कत फेस ना करें, आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू रखते हैं। आप दोस्तों देख सकते हैं ये है माउस, माउस का क्वालिटी तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ बहुत ही बेहतरीन है। अब देख सकते हैं डिजाइन वाइज, तो मैं आपको अभी बताऊंगा कि किस तरह से कनेक्ट कर पाएंगे ब्लूटूथ के साथ, उसके बाद बताऊंगा कि USB के साथ किस तरह से कनेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आपको इसको ओपन करेंगे, मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूं, अगर आप इसको ओपन करेंगे आप दोस्तों देख सकते हैं यहां पे आपको USB देखने को मिल जाएगा। बेसिकली इसे मैं रहने देता हूं क्योंकि मुझे ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना है, मुझे इसका ज़रूरत नहीं है। अगर मैं विदाउट ब्लूटूथ USB के साथ कनेक्ट करना चाहता हूं तो मुझे ये ज़रूरत पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों आपको निकालने की कोई भी ज़रूरत नहीं है अगर आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। ये मैग्नेटिक है दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक कवर है ये, आपको कोई भी क्लिप वगैरह नहीं दिया जा रहा है, आपको सिंपली इससे छोड़ देना है, ये आसानी से कैच कर लेता है तो सही से ये फिट हो जाता है, ठीक है। अब दोस्तों ब्लूटूथ कनेक्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको एक ऑन ऑफ का बटन मिल जा रहा है पीछे के साइड और एक ब्लूटूथ एंड USB का ऑप्शन मिल जा रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पहले ऑन कर लेना होता है, ठीक है। तो आपके बैटरी इसके अंदर होना जरूरी है, तो इसलिए मैं आपको डिटेल्स बता रहा हूँ। तो पहले बैटरी इंसर्ट कर लीजिए, अगर आपका बैटरी काम नहीं कर रहा है तो न्यू बैटरी के साथ पहले इंसर्ट कर लीजिए इनसाइड, ये कवर हटा के उसके बाद ये बटन को ऑन कीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको 2 इंडिकेटर देखने को मिल जाएगा, एक ग्रीन एक ब्लू, ठीक है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं आसानी से एक ग्रीन हो रहा है एक ब्लू हो रहा है, तो इसका मतलब दोस्तों ग्रीन है यानी कि USB के साथ ये कनेक्ट होता है, अगर ये ब्लू होता है तो आप ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करूं, उससे पहले मैं ब्लूटूथ सर्च पे डाल देता हूं ताकि आप लोगों को सही से समझ में आ जाए। तो इस तरह से आपको आपके डिवाइस पे ब्लूटूथ पेज पे आ जाना है, उसके बाद ऐड ब्लूटूथ और अदर डिवाइस पर क्लिक करें, उसके बाद ब्लूटूथ को सिलेक्ट करें। उसका दोस्तों देख सकते हैं आर ए डिवाइस पे फिलहाल अभी कुछ भी नहीं है, मतलब ये जो है वो कोई दूसरे बंदे का है तो ये डिटेक्ट कर रहा है, लेकिन ये लॉजिटेक माउस नहीं है, आपको यहाँ पे सर्च रिजल्ट पे देखने को मिल जाएगा जो फिलहाल नहीं है, मैं ब्लूटूथ सर्च पे डाला हुआ है। तो दोस्तों आपको क्या करना है, पहली बार अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा, तो यहाँ पे आपको जो ब्लिंक हो रहा है ब्लू, इसका मतलब आपको डिवाइस सर्च पे आ जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, ये बटन को जो ब्लूटूथ का बटन है इसे 1 सेकंड तक प्रेस करके रखना होता है, ध्यान से देखिएगा 1 सेकंड तक मैं प्रेस करने जा रहा हूँ,
उसका दोस्तों आपको इस तरह से क्विकली ब्लिंक होगा ब्लू कलर लाइट। तो उसके बाद आप सर्च डिवाइस पे देखिए, आपको यहाँ पे लॉजिटेक पेबल नज़र आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये क्लिक करना रहता है, उसके बाद कनेक्टिंग हो जाएगा, तो आपको थोड़ी देर वेट करना है, उसके बाद योर डिवाइस इज रेडी टू गो। इस तरह से अभी डन पर क्लिक कर लेते हैं और देखते हैं ये कनेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों मैं दिखाऊंगा आपको किस तरह से वर्क कर रहा है। देखिए अभी हमारा ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट हो चुका है। अब दोस्तों मैं इसे फिर से दबा के ग्रीन कर लूंगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं ये काम नहीं कर रहा है, ठीक है। अब मैं फिर से इसे ब्लू कर लूंगा। एक बार दोस्तों पेयर हो गया तो आपके जो डिवाइस है वो काम करने लगेगा। पेयर करने के लिए दोस्तों आपको 1 सेकंड तक प्रेस करना रहता है। सेकेंड टाइम ऑनवर्ड्स आपको यूएसबी के साथ करना है तो ग्रीन कर लीजिए एक प्रेस में, या ब्लूटूथ के साथ ऑलरेडी पेयर्ड है आपको ब्लूटूथ कनेक्ट करना है तो एक सिंगल प्रेस कर लीजिए, हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पहली बार न्यू डिवाइस पे पेयर कर रहे हैं तो आपको 1 सेकंड तक इसे होल्ड करना है। क्विकली ब्लू कलर का लाइट है वो ब्लिंक होगा, उसके बाद आपको डिवाइस सर्च में आ जाएगा, आप कनेक्ट कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स अभी उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया कि ब्लूटूथ के साथ किस तरह से कनेक्ट किया जाता है। अब दोस्तों मैं आपको यूएसबी के साथ भी दिखा लेता हूँ। यूएसबी कनेक्ट करने के लिए मैं यहाँ से इसे यूएसबी जो आपको दिया जा रहा है इनसाइट आपको इस तरह से निकालना रहता है। निकालने के बाद पहले दोस्तों मैं ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो मैं ब्लूटूथ को डिस्कनेक्ट कर लिया। उसके बाद दोस्तों ये जो यूएसबी है आपको आपके लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर लेना होता है, कुछ इस तरह से कनेक्ट कर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे जो बटन है इसे ऑन रखना है, लेकिन ये जो ब्लू है इसे ग्रीन करना है। देखिए अब ये काम नहीं कर रहा है तो आपको यहाँ पे इसे ग्रीन कर लेना होता है। ग्रीन करने के बाद दोस्तों देखिए अब ये सही से काम करने लगा है, ठीक है। अब दोस्तों ब्लूटूथ पेज पे आ जाते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों ये यूएसबी के साथ कनेक्ट कर रहा है। अब दोस्तों मैं ब्लूटूथ को ऑन कर लूंगा मेरे लैपटॉप पे। उसका दोस्तों आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा लॉजिटेक पेबल एंड यूएसबी रिसीवर, ठीक है। यूएसबी के साथ भी कनेक्ट है एंड जो ब्लूटूथ है उसके साथ भी पेयर है। अब दोस्तों ये ग्रीन है यानी कि मेरा काम कर रहा है यूएसबी। अब दोस्तों मैं ब्लूटूथ के साथ कनेक्ट करूंगा, इसलिए मैं इसे एक सिंगल प्रेस करूंगा, ये ब्लू हो गया। अब दोस्तों फिर भी ये स्टिल काम करेगा क्योंकि ये पेयर्ड है, ठीक है। तो ब्लूटूथ एंड यूएसबी के साथ आप कुछ इस तरह से लॉजिटेक वायरलेस माउस जो कि बहुत आता है कनेक्टिविटी यूएसबी एंड ब्लूटूथ के साथ, इस तरह से आप कनेक्ट कर पाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को पता चल चुका है। अगर पता चल चुका है तो वीडियो को जरूर से लाइक कीजिएगा एंड मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। अगर आप कुछ भी क्वेरीज फेस करें तो भी मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जरूर कोशिश करूंगा आप लोगों को हेल्प करने के लिए। सो फ्रेंड्स ये था इस वीडियो में, उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल में पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास में दिए बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन पा सके हमारा हर न्यू वीडियो का। मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। कुछ भी क्वेरीज है, कुछ भी डाउट्स है, मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा, मैं जरूर कोशिश करूंगा आप लोगों से बात करने के लिए, आप लोगों को हेल्प करने के लिए। अगर आप ये प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं इसका बेस्ट बाय लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप डायरेक्टली क्लिक करके प्रोडक्ट को परचेस कर पाएंगे। सो फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं सोशल मीडिया साइट्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर में हम लोग अवेलेबल है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। हमारा बिजनेस ईमेल आई डी है bingunitv.channel@gmail.com, आप चाहें तो हम ईमेल भी कर पाएंगे। चलिए फिलहाल मैं उनसे रहता हूँ, फिर मिलता हूँ और एक नया वीडियो लेकर। आप देखते रहे मेरे यूट्यूब चैनल बींग यूनिक टीवी। इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।